अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी खैरियत से होंगे मुझे पता है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दुआ ऐसी दुआ जिससे कामयाबी मिले। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसी दुआ कौन सी है जिससे हम लोगों को कामयाबी मिले। लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहती हूँ। ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग कुछ भी चाह रहे हों, कुछ मांग रहे हों या हमें वो मिल जाए तो उसे कामयाबी कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसे हम लोग चाहते हैं, मानते हैं, वो मेरी दुआ कबूल हो जाती है तो वो तो अच्छी बात है, इसे कामयाबी नहीं। बल्कि कामयाबी उसको कहते हैं जिसे अल्लाह पाक पसंद करते हों। हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हों, अल्लाह पाक आप कुछ ऐसा करें जिससे अल्लाह खुश हो, अल्लाह को पसंद आए, उसे कामयाबी कहते हैं। कामयाबी का मतलब ये नहीं जिसे हम चाहें वो हमें मिल जाए या फिर जिसे हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए, इसे हम कामयाबी नहीं कहते हैं। कामयाबी तो दरअसल ये होती है कि अल्लाह पाक को पसंद आए, जैसे कि हम वो चाहते हैं जो वो हम कर रहे हों। जैसे पांचों टाइम की नमाज़ पढ़ना हो गया, अच्छे काम करना हो गया, सदका देना हो गया, ये अल्लाह पाक को आता है पसंद। और फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दुआ कौन सी है जिसे कामयाबी मिले। है अल्लाहुम्मा जालना मुफ्लिहीन। इसका मतलब है कि ऐ अल्लाह मुझे कामयाब लोगों के साथ साथ में रखें। और ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसमें और लोगों को पता चले। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।